प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। भारत के सभी राज्यों में सिलेक्टेड साइट्स पर शनिवार को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इस कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को दिल्ली में होने वाले ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन से दो लोगों को संक्रमित पाया गया है। लंदन से वापस यूपी लौटे लोगों की जांच की जा रही है। इस संबंध में आज विस्तार से जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूनाइटेड किंगडम से लौटकर आए लोगों की टेस्टिंग लगातार की जा रही है। अब तक प्रदेश में 2500 लोगों की जाँच की गई है, जिनमें से केवल दो लोगों में कोविड का नया स्ट्रेन पाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष पर शहरी क्षेत्र के गरीबों को तोहफा दिया है। उन्होंने नए वर्ष की शुरुआत पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। LHP का निर्माण इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक स्थान पर करीब 1000 घर शामिल होंगे। दिल्ली में नववर्ष के मौके पर भीषण शीतलहर के कहर और तापमान के 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद भी दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच नए साल के अवसर पर शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। बता दें कि किसानों को यहां कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए 37 दिन हो चुके हैं। नए साल 2021 का आगमन के साथ ही यूपी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत के बाद भी अब तक कोई ठोस हल नहीं निकला है। वहीं अगले दौर की बैठक 4 जनवरी को होने जा रही है। 4 जनवरी को होने वाली बैठक में पहले किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सभरा ने मोदी सरकार से बातचीत से पहले कहा है कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अगर 4 जनवरी को इसका कोई हल नहीं निकलता तो आने वाले दिनों में संघर्ष तेज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले ही केंद्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय बलों की 2 कंपनियों को तैनात कर दिया है। केंद्रीय पुलिस बल CRPF की ये दोनों कंपनियां विधानसभा चुनाव तक बंगाल में रहेंगी। बताया जा रहा है कि विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के लिए CRPF को बुलाया गया है। TMC से इस्तीफा देकर BJP में शामिल हुए पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला देने वाले शुभेंदु अधिकारी जूट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने शुभेंदु अधिकारी का बायोडाटा मंगवाया है। मुंगेर मंडलकारा में कैदियों की तबियत बिगड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। खासकर क्वारंटीन वार्ड में बंद कैदियों की तबियत बिगड़ रही है। 5 दिनों के अंदर जहां 2 कैदियों की मौत हो चुकी है, वहीं बुधवार की रात तबियत खराब होने पर एक कैदी को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया, जबकि एक अन्य कैदी का इलाज मुंगेर सदर अस्पताल में चल रहा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी का आज जन्मदिन है। नए वर्ष के पहले ही दिन उन्होंने अपने बयान से बिहार में सियासी बम फोड़ दिया है। बिहार में बीते दिन हुए प्रशासनिक फेरबदल को लेकर उन्होंने कहा कि यह सब कुछ भाजपा की मर्जी से हो रहा है। भाजपा लंबे समय से यही चाह रही थी। नीतीश कुमार को यह सोचना चाहिए कि वह BJP के चंगुल में फंस रहे हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।